Next question, solve 1 plus e की पावर x upon y into dx plus 1 minus x upon y into e की पावर x upon y into dy equal to 0. Given differential equation is 1 plus e की पावर x upon y into dx plus e वाली वैल्यू को हम ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो दिस विल बिकम समथिंग लाइक दिस x upon y minus x by y into e की पावर x upon y into dy equals to 0 which is let's suppose this is equation number 1 which is of the form kaisa m dx plus n dy equals to 0. This value is m and this value is n. Then m equals to 1 plus e ki power x by y and n equals to e ki power x by y minus x upon y into e ki power x by y. Now partially differentiating with respect to y and x respectively. Y को पहले इसलिए लिखें because y को अपन partially differentiate करेंगे m को partially differentiate करेंगे with respect to y और n को अपन partially differentiate करेंगे with respect to x. तो del m upon del y equals to ये वाली value 0 हो जाएगी because this is constant. ये वाली वैल्यू पहले अपन एज इट इज उतारेंगे x अपॉन y. मुझे y के रेस्पेक्ट में करना है तो x विल बी कांस्टेंट तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ पे आएगा माइनस वन अपॉन y स्क्वायर तो दिस विल बिकम माइनस x अपॉन y स्क्वायर इंटू e की पावर x अपॉन y. दिस द वैल्यू ऑफ डेल m अपॉन डेल y. वैसे अपन निकालेंगे डेल n अपॉन डेल x निकालेंगे तो दिस इज यहाँ पे जो दिया हुआ है e की पावर x अपॉन y इसको आप एज इट इज पहले उतार लो उतार लिए अब मुझे x के रेस्पेक्ट में करना है तो y यहाँ पे क्या होगा कॉन्स्टेंट हो जाएगा तो दिस इज 1 अपॉन y और x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा तो दिस इज इसके वैल्यू. अब यहाँ पे आते हैं यहाँ पे दो टर्म है यहाँ पे एक y यहाँ सॉरी एक x यहाँ पे दिया हुआ है दूसरा x यहाँ पे दिया हुआ है तो यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं पहले इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे e की पावर x अपॉन y को एज इट इज यहाँ लिख दिए दिस बिकम 1 अपॉन y बिकॉज x तो यहाँ पे 1 हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा इसको एज इट इज उतारेंगे x अपॉन y इसको अपन सॉल्व करेंगे तो ये दिस विल बिकम x अपॉन y ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी और दिस इज कॉन्स्टेंट तो यहाँ तुम्हारा आ जाएगा दिस. इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं e की पावर x अपॉन y माइनस दिस इज e की पावर x अपॉन y माइनस यहाँ पे x अपॉन y स्क्वायर यहाँ पे e की पावर x अपॉन y ये वाली वैल्यू कैंसिल हो गई तो दिस विल बिकम माइनस x अपॉन y स्क्वायर e की पावर x अपॉन y. सिंस बोथ द वैल्यूज आर सेम दिस टू वैल्यूज आर सेम सो हियर डेल m अपॉन del y equals to del n upon del x. So we can write the equation 1 is an exact differential equation. So solution of equation 1 is integration of m dx where y equals to constant plus terms of n not containing x into dy equals to c is constant value of integration.
यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है जिस, और यहाँ लिखेंगे बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू दिया हुआ है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस e की पावर x अपॉन y इंटू डी एक्स, वेर y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्लस टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x। यहाँ पे हमारे पास जो n की वैल्यू दी हुई है, दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, दो टर्म्स हैं यहाँ पे, एक ये वाला टर्म है दूसरा ये वाला टर्म है। कैसे मालूम पड़ा? बिकॉज बीच में यहाँ पे एक माइनस साइन दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन पर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए दो वैल्यू दी हुई है एक्स की, एक यहाँ दी हुई है, क्या दी हुई है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू है, तो इसको भी हम इग्नोर करेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई टर्म नहीं है इनका जो एक्स ना हो, तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स विल बी 0 × dy = c। तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, और लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 दैट इज एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, e की पावर y, सॉरी x अपॉन y जो उसकी पावर में है वो आएगा, फिर आएगा क्या बताओ, क्या अपॉन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू दैट इज 1/y, तो यहाँ पे 1/y आ जाएगा, दिस इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेंगे, और x प्लस y इंटू e की पावर x अपॉन y इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।